देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज ट्रेंडिंग अपडेट्स में आप सभी का है स्वागत। एक बार फिर से मैं आप सभी की होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं आज का ये खास प्रोग्राम, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं बी टाउन के मोस्ट कंट्रोवर्शियल कपल यानी कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के बारे में। अब तक 11 ऐसे रेवलेशन हो चुके हैं जिससे राज पूरी तरह से गलत साबित किए जा रहे हैं और शिल्पा को इसका पूरी तरह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई प्रोजेक्ट्स उनके हाथ से जा चुके हैं, सुपर डांसर शो में वो नजर नहीं आ रही है, फिल्म हंगामा 2 को भी अच्छे रिव्यूज नहीं मिले हैं और आने वाले समय में वो जो काम करने वाली थी वो सारे काम उनके हाथों से छीने जा रहे हैं, क्योंकि राज कुंद्रा ऐसे गलत कारनामे में पूरी तरह से फंस चुके हैं। तो क्या है वो सबूत पुलिस के हाथ अब तक लगी और क्या है पूरा मामला अब तक कई अपडेट्स के साथ, जरा देखिए ये खास रिपोर्ट। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा मामले में अब हम आपको एक और बड़ी रिपोर्ट देना चाहेंगे, सुनकर आप सभी को बड़ा झटका जरूर लगेगा। सच भी कुछ ऐसा है, सुनकर किसी को भी झटका लगे। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे साथ आज की इस खास रिपोर्ट में एक बार फिर से कैसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में यहाँ पर राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी तो पड़ गए और इसकी वजह भी बहुत बड़ी थी। जी हाँ, आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में एक बार फिर से बताना चाहेंगे उन एलिगेशंस के बारे में, उन रेवलेशंस के बारे में जिसे सुनकर आप सभी को बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगेगा। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में कि कैसे ये सच्चाई खुलकर सबके सामने आई। 11 रेवलेशंस जो अब तक हुए हैं उसकी हम आपको अपडेट देना चाहेंगे। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा के केस में वो 11 खुलासे जो हैं, जो उनके सारे घिनौने कारनामों की तरफ इशारे करते हैं, वो आपको बताना चाहेंगे। 19 जुलाई को राज कुंद्रा को पहले अरेस्ट किया गया था क्योंकि कुछ एडल्ट कंटेंट पब्लिश करने को लेकर मोबाइल एप्लीकेशंस में उनके खिलाफ कुछ सबूत मिले, व्हाट्सएप चैट्स मिले और इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर वो फिल्म रैकेट में कुछ ऐप्स चला रहे थे और उन्होंने बेच दिया था एक ऐप अपने ब्रदर इन लॉ प्रदीप बख्शी को यूके बेस्ड कंपनी के लिए और सप्लाई कर रहे थे, वो कंटेंट कंट्रोल कर रहे थे यूके फर्म को अपने वियान इंडस्ट्री ऑफिस से। वियान उनके बेटे का नाम है और बेटे के नाम पर इस इंडस्ट्री को वो चला रहे थे। राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा भी पहले इसे डायरेक्ट करती थी लेकिन उन्होंने इसे रेजिग्नेशन दे दिया था, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी शिल्पा से दोबारा पूछताछ किया जा रहा है क्योंकि यकीन पुलिस को नहीं हुआ है क्यों आखिर उन्होंने रिजाइन की दिया होगा और फरवरी के महीने में जो हुआ वो आप भी जानते हैं। अब हम आपको बता दें ये भी रेवलेशन हुआ कि जैसे ही गहना वशिष्ठ गिरफ्तार हुई, जैसे ही गहना वशिष्ठ को गलत काम करते हुए पकड़ा गया और छापेमारी के बाज सारी सच्चाई सामने आई। राज कुंद्रा के साथ काम करने वाले यश ठाकुर यानी कि अरविंद श्रीवास्तव और साथ में उमेश कावत दोनों के व्हाट्सएप चैट लीक हुए, जिसमें पता चला है कि गहना से जुड़े मामले पर 8 लाख रुपए की मांग कर रहे थे वो, ताकि वो उन्हें छुड़ाएं वरना वो सबके राज खोल कर रख देंगी। अब राज कुंद्रा ने उसी वक्त अपना पुराना फ़ोन फेंक दिया और मार्च में नया फ़ोन खरीदा और उसी का जाँच पड़ताल के लिए उन्होंने मुंबई पुलिस को दिया है, क्राइम ब्रांच को दिया है, जिससे वो गुमराह पुलिस को कर रहे हैं कहा जा रहा है। अब ये भी सच है कि पूछने पूछताछ के बावजूद इतने सबूत को अपनी आंखों देखकर भी राज ने स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने कुछ गलत किया है। उनका कहना है कि वो सिर्फ एरोटिक फिल्में बना रहे थे और शिल्पा ने भी यही बात कही है। लेकिन जब और भी सबूत सामने आने लगे तो छापेमारी उनके घर हुई और शिल्पा बहुत शॉक्ड हुई उस ऐप के बारे में जानकर, जिसके बारे में राज कुंद्रा ने शिल्पा को कुछ नहीं बताया था। 2023 तक उनका टारगेट था 34 करोड़ रुपये
पूरी तरह से इसे इकट्ठा करने की। वहीं शिल्पा शेट्टी की बात की जाए तो शिल्पा शेट्टी के इन्वॉल्वमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि कोई भी एक्टिव रोल शिल्पा का नहीं है, लेकिन जॉइंट अकाउंट है PNB बैंक में राज और शिल्पा का। इंटरनेशनल लेवल पर उसमें पैसे की डील होती थी, इसी कारण से अभी क्लीन चिट शिल्पा को मिला है, लेकिन उन्हें फिर भी घर में बंद रखा गया है। अभी भी शिल्पा शेट्टी इस मुसीबत से उभर नहीं पाई है। बता दें कि इनकम को लेकर राज कुंद्रा सबसे ज़्यादा सवालों में हैं। 5 लाख रुपए उनकी टीम एवरेज अर्न करती थी एक मूवी से, जिसे मोबाइल ऐप में रिलीज़ किया जाता था, यहाँ तक कि बहुत गलत तरीके से पेश किया जाता था। कोप्स ने 7.5 करोड़ रुपए वेरियस अकाउंट जो कि राज कुंद्रा से कनेक्टेड थे उससे बाहर निकाले हैं, और कहा जा रहा है कि राज कुंद्रा इसमें वाकई में शामिल थे, क्योंकि इतने पैसों की डीलिंग उन्हें वही क्यों करते थे। अगर उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उन्हीं के अकाउंट से क्यों पैसे की डीलिंग इतनी हो रही है। अब राज कुंद्रा के बारे में बात हो रही है तो पूनम ने क्रिमिनल केस दर्ज किया था राज कुंद्रा के खिलाफ, और उन्होंने कहा था बिना कॉन्ट्रैक्ट के उनके साथ उनके पिक्चर्स को पोस्ट करने की, वीडियोस को ऐप में पोस्ट करने के लिए, उनके पर्सनल मोबाइल को लीक करने की उन्हें प्रेशर दी जाती थी ताकि वो इससे जुड़े रहें। और तो और आपको बताना चाहेंगे कि राज कुंद्रा ने गहना वशिष्ठ की बात की जाए तो इस कनेक्शन के बारे में स्वीकार नहीं किया है। अरविंद श्रीवास्तव जो राज के साथ काम तक करते थे उन्होंने भी कह दिया कि गहने से उनका कोई लेन देन नहीं था। गहना के बारे में कहा जा रहा है कि गहना को लेकर उन्होंने किसी और पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। बेल की वजह से गहना बाहर है, लेकिन उसी ऐप से कनेक्टेड है गहना वशिष्ठ, जिसमें 8 गलत कंटेंट वीडियोस सोशल मीडिया ऐप के लिए पोस्ट किए गए हैं, और साथ साथ में इसमें कुछ गलत काम भी होते थे ये भी कहा जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन सच यही है कि राज कुंद्रा बुरी मुसीबत में फंसे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सबसे ज़्यादा पुलिस के हाथ लगे हैं। सब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में राज कुंद्रा को लेकर बिलीव किया जा रहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग गलत एक्ट को लेकर फ्यूचर में ये प्लान था राज कुंद्रा का करवाने का, और क्लेम ये भी है रिपोर्ट्स में कि उन्होंने पूरी तरह से ये बिजनेस को बहुत बड़ा बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरह बनाने का पूरा प्लान किया था। राज कुंद्रा ने ये सारी सच्चाई शिल्पा शेट्टी अपनी पत्नी से छुपा कर रखी थी। राज कुंद्रा के जो वीडियोस रिकवर हुए उसकी बात करें तो क्राइम ब्रांच ने 70 वीडियो रिकवर किए हैं, जिसे राज कुंद्रा के फॉर्मर PM कावत के साथ मिलकर, बाकी प्रोडक्शन हाउस के साथ मिलकर ये बिल्डअप किया करते थे। इसके अलावा ब्राइब की बात करें तो राज कुंद्रा ने 25 लाख रुपये क्राइम ब्रांच को दिए ब्राइब के तौर पर, और केस में अरेस्ट को लेकर कहा जा रहा है कि ये सच सामने आया है। लोग काफ़ी हैरान हैं ये जानकर, क्योंकि अरेस्ट करने को लेकर ये स्टेटमेंट सामने आए हैं। और तो और आपको बताना चाहेंगे कि वो बचना चाहते थे, अब 25 लाख रुपए वो क्यों दिए अगर गलत नहीं है तो। छापेमारी में शिल्पा के और राज के जुहू रेजिडेंस में कुछ चीज़ें और पाई गई हैं, जैसे कि कबर्ड, अलमीरा में वीडियो से जुड़े कई ऐसे सबूत इकट्ठा कर लिया गया है जो कि ठोस सबूत है कोर्ट में पेश करने के लिए। और राज के उस ऐप से जुड़े मामले में शिल्पा ने तो साफ इनकार कर दिया। शिल्पा बहुत रोई, राज से बहुत आर्ग्यूमेंट हुए उनके घर पर, और उन्होंने कहा यह सब करने की ज़रूरत ही क्या थी। और तो और कबूतर जो हिडन थे क्राइम ब्रांच ने उसे निकाला। व्यान और जेल स्ट्रीम ऑफिस, व्यान कंपनी और जेल स्ट्रीम ऑफिस से जुड़ा। मुंबई अंधेरी की बात की जाए तो वहां पर सच में ये मालूम चला है, कुछ फाइल्स थे जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और क्रिप्टो करेंसी को लेकर सच्चाई दबाई गई थी वो सामने आ चुका है। तो दर्शकों, आज के हमारे शो में हमने आपको ट्रेंडिंग अपडेट्स में बताया है क्या है ट्रेंड में बनी हुई राज कुंद्रा को लेकर खबरें। अब वक्त हो चला है आपसे यही इजाजत लेने का। जी हाँ, फिर लौटेंगी आपके बीच ऐसी ही बी टाउन की टॉप ट्रेंडिंग लेटेस्ट हॉट एंड स्पाइसी चटपटी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें आप नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।